हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुनील सांगवाल आपका सीएनजी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स के क्लास 11 और 12 के लेक्चर्स लगाते हैं। हम तो इस वीडियो के अंदर हम जुलाई के अंदर हुए टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम देखते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन बाई एन इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन ए आई जे इज जीरो फॉर। अब देखिए बच्चों, ये कौन सा बता रहा है आपको कि कौन सा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब बच्चों ये होता है कि इसमें नीचे जो है डायगनल के नीचे जो एंट्रीज हैं, डायगनल के नीचे जो एंट्रीज है, ये आपका डायगनल हो गया। इसके अंदर जो नीचे जो एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या है, वो जीरोस हैं बच्चों आपके पास। ये वाले छोड़ के, ठीक है, ये डायगोनल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एंट्रीज हैं बच्चों आपके पास वो कैसी होंगी, चलिए थोड़ा सा इसको और मैं रियल लाइफ एग्जांपल से कर लेते हैं हम अपना। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम लगा लेते हैं, सही सही लिख लेते हैं कुछ, तो 1 2 3 से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज हो सकती हैं कुछ। ठीक है, और ये जो एंट्रीज है बच्चों ये आपके पास ज़ीरो होने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाली जो है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया बच्चों। ये अपर ट्रायंगुलर है ये, और जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें नीचे जो एंट्रीज ज़ीरो आ रही हैं, तो इनके लिए आप देख रहे हो कि ये जो है आई बड़ा है और जे छोटा है इनका। आई बड़ा है और जे छोटा है इनका। ठीक है, आई का मतलब रो, इनके लिए रो बड़ी है, रो का नंबर बड़ा है हर एक एलिमेंट के लिए और कॉलम का नंबर छोटा है। ठीक है, तो दैट मीन्स आई मस्ट बी ग्रेटर देन जे, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका इसका रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ माइनस टू फाइव थ्री टू, ठीक है, एक्स फाइव थ्री फाइव, ये अगर आपके पास इक्वल हो देन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ वाई अपॉन 2x। तो देखिए y कितना है, y ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स y मस्ट बी इक्वल टू 2 और x मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2, x मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपके पास y अपॉन 2x कितना आ जाएगा, y अपॉन 2x, देखिए y अपॉन 2x जो है वो 2 अपॉन माइनस 2 और ये माइनस 1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको असल में ये पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस 1 कितना होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1, तो ये आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। और कॉस इनवर्स 1 कहाँ पे होता है आपका, कॉस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो 0 के ऊपर ही 1 होती है बच्चों ये। ठीक है, 0 के ऊपर ही 1 होती है ये। हाँ जी बच्चों, ये एक्स जो है ना ये 2 टाइम्स होना था, ये थोड़ा सा हमने यहाँ मिस्टेक कर लिए, 2 इंटू 2 करिए आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक 2 लगा हुआ है, यहाँ पे ये हम छोड़ गए थे बाई चांस गलती से। तो माइनस 1 बाई 2, तो ये माइनस 1 बाई 2 का हमें कॉस इनवर्स करना है, तो ये आपका ये हो जाएगा बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स। फॉर्मूला याद कर लीजिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ये अब आपके पास कितना बन जाएगा, तो ये देख लीजिए, अब कॉस इनवर्स हाफ कहाँ होता है, तो 60 डिग्री कॉस जो है वो हाफ होता है, तो हाफ 60, तो ये 60 जो है वो पाई बाय 3 होता है, तो ये 2 पाई बाय 3 इसका आंसर आ गया बच्चों। तो देयरफॉर आंसर इज दिस वन, 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए इज इक्वल टू 5x plus 2, 4x minus 7, x minus 2 is a symmetric matrix, then x is, अगर symmetric है बच्चों तो इसमें क्या होता है कि symmetric में इसका ट्रांसपोज और दोनों इक्वल हो जाते हैं, कहने का मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए आपके। ठीक है, तो x plus 2 और 4x minus 7 जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो हमने लिख लिए इक्वल। अब यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, 4x minus x और ये 2 और ये 7,
ठीक है, ये -7 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये एक्स आपका राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3x रहेगा और राइट में आपके पास 9, 3x अगर 9 है तो 1x कितना हो गया, तो 3 हो गया बच्चों। डिवाइड कर दीजिए 9 को 3 से, ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 3 आ गया। तो 3 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन एक्स इज 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे, ये आपको ए आई जे की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यूज आप निकाल लीजिए इसमें से कितनी है। ए 12 कितना आएगा, ए 12 है हाफ और साथ में मॉडुलस आई की वैल्यू 1 है, ये आपका आई है और ये मतलब जे है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, और हाफ इंटू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 जो है वो माइनस 3 आएगा, मॉडुलस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 बाई 2 आ गया ये, ठीक है। और ए 2 3 कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं, ए 2 3 कितना हो जाएगा, ए टू थ्री जो है वो आपका हो गया 1/2, 2 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, हाफ 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 -4 होता है, और -4 का मॉडुलस 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, ठीक है। अब आप इनको क्या करो, ये वाला कैलकुलेट करना है हमने, ए 12 प्लस हाफ ए 23, तो दैट इज इक्वल टू 3/2 प्लस हाफ ऑफ 2, ठीक है, हाफ ऑफ 2, ठीक है। तो 3/2 प्लस ये 1 हो जाएगा आपका, 1 ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 बाई कितना हो गया, 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 5/2, ठीक है, 5/2, तो ये 5/2 हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/2 विद एंट्री 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तीन एंट्रीज हो सकती है आपके पास, तीन चॉइसेस है बच्चों, 1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, गलत कर दिया हमने, ठीक कर लीजिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है। और ये कितनी जगह पे आपकी वेरिएशन आ सकती है, 1 इंटू 2 जगह पे वेरिएशन आ सकती है, तो इसकी पावर में 1 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस, तो ये चॉइसेस जो है वो आपकी फार्मूला, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं, चॉइसेस के ऊपर आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देना है, ऑर्डर लिख देना है, ऑर्डर, ठीक है। तो चॉइसेस जो है बच्चों वो आपके पास ये 3 चॉइसेस हैं, और इसकी ऑर्डर जो है वो 1/2 है, और 1/2 का मतलब 3 स्क्वेयर हो गया ये, और 3 स्क्वेयर जो है वो 9 होता है, तो आपका आंसर जो है वो 9 होने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स -1, -3, 2, देन -2a मॉडुलस इज इक्वल टू, अब बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए, k टाइम्स a मॉडुलस जो होता है वो k पावर n इंटू a डिटर्मिनेंट होता है, मॉडुलस नहीं था सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है, k की वैल्यू यहाँ पे -2 है, ये -2 हो गया, n क्या चीज़ है, n इसका अपना ऑर्डर है ये डायगनल मैट्रिक्स का, तो डायगनल मैट्रिक्स का जो है ये मैट्रिक्स कैसा है पहले ये देख लीजिए, -1, -3, 2, ये डायगनल मैट्रिक्स बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 3/3 का है, तो 3/3 में ऑर्डर जो है वो आपका n हो गया, n जो है वो 3 हो गया, ठीक है, और साथ में a डिटर्मिनेंट, हाँ ठीक है, a डिटर्मिनेंट लगाएंगे, a डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स होता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो हो जाएगा -1 इंटू -3 इंटू 2, ठीक है, इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट जो है वो 6 हो गया, आप देख रहे हो 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये -8 इंटू 6, तो -48 आंसर आने वाला है बच्चों इसका, -48 डी, और लास्ट ऑप्शन इज द राइट चॉइस। बच्चों अभी तक आपने अगर चैनल को हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ठीक नहीं है, एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं है बच्चों, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ये, ठीक है, बाई चांस ये रह गया होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, ये ठीक है, ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए एंड बी, ये भी सही है बच्चों, ठीक है, ये भी ट्रू है, ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यही गलत है बच्चों, ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो ए और बी
तो ए बी प्लस बी ए जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, ए बी माइनस बी ए जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये ही गलत है बच्चों, ठीक है। यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है, अगर सिमेट्रिक लिखा होता तो ठीक होता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आप ये लगाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज कर लीजिए यहाँ, इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। तो ये भी ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन ठीक है, सिर्फ एक ये जो है वो गलत है। तो ये गलत ही बताना था हमने, तो ये आप ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट, ये कुछ दिया हुआ है आपको, -4 टाइम्स ए बी डिटर्मिनेंट इज -256 एंड ए डिटर्मिनेंट इज -2 देन बी डिटर्मिनेंट। तो बच्चों बात ये है कि आपने क्वेश्चन जो है याद रखना है, आपने ऑर्डर इसका 2 दिया हुआ है बच्चों, तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, -4 टाइम्स ए बी जो है दैट विल बी -4 और इसकी पावर -4 की पावर 2 और साथ में ए बी डिटर्मिनेंट आएगा, ये आपको जानते हैं, ठीक है। वो ये वही प्रॉपर्टी है बच्चों आपका, ए टाइम के टाइम्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई किया तो ये, और 2x2 की मैट्रिसेस है तो ये पावर 2 आ जाएगा, और ये आपका -4 पावर 2 जो है वो 16 हो गया, और साथ में ये जो है डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होता है जो, वो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी दी हुई है दैट इज इक्वल टू -256 ये दिया हुआ है आपको। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, राइट साइड में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये आपका 16 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, 16 ये आपका हो गया, और ये -2 और ये -2 हो गया, और बी डिटर्मिनेंट हो गया। यहाँ से आप बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा ये इसको आप छोड़ दीजिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 जा, ठीक है, ये आपका 256 हो जाएगा, और ये एक 2 रह गया अभी, 2 से और डिवाइड कर दीजिए तो ये 8 हो गया बच्चों। तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो 8 हो गया, ठीक है। तो 8 आंसर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, करना क्या आपने, 3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ठीक है, कॉलम में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बच्चों, और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 और साथ में क्या बच जाएगा, 1 1 1, और ये x y और z और साथ में y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये कॉलम यहाँ ऐड कर देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 × 3 6 होता है, और ये साथ में आपके पास आ गया, एक्सक्यूज मी, ये आपका 6 हो गया, ये 1 1 1 हो गया, और ये आपका जब आप इधर ऐड करेंगे तो ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी वैल्यू जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। अब आप इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड इस कॉलम में से कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने के बाद ये कॉमन लेने के बाद ये आपके पास एक्स वाई जेड यहाँ पे आपका रहेगा, एक्सक्यूज मी, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और ये 1 1 1 हो जाएंगे बच्चों। तो अब आप देख रहे हो कि ये दो कॉलम जो है वो सेम हो गया, दो कॉलम सेम होने का मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, और 0 को आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो 0 ही आंसर आने वाला है, तो दैट मीन्स इसका आंसर जो है वो 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इफ बी डिटर्मिन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस मच देन बी इंटू एडजॉइंट बी। अब ये आप याद रखिए, बी इंटू एडजॉइंट बी जो होता है बच्चों वो होता है बी डिटर्मिनेंट इंटू आई, बी डिटर्मिनेंट इंटू आई, ठीक है। तो अब आप बी डिटर्मिनेंट ये देख लीजिए, ये जो है वो आपको आई का तो पता लग गया आपको, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये जो इसके साथ में जो आएगा ना वो आपका बी डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो बी डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट कितना है, ठीक है, बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। और साथ में एक चीज़ और नोट करिए बच्चों, ये जो डायगनल में एंट्रीज आएंगी सिर्फ आपके पास यहाँ पे, ये डायगनल के अंदर एंट्रीज आएंगी और बाकी की जो है वो जीरो होने वाली है। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ही चेक कर लीजिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया, तो 4 × 5 ये 20 हो गया, और ये 18 हो गया, -18
ट्वेंटी माइनस एटीन, थोड़ा ठीक लिख देते हैं, 20 माइनस 18, तो ये 2 हो गया बच्चों आपके पास, ठीक है। तो ये 2 जो है वो आपका ये मैट्रिक्स ही बनेगा बच्चों। अब ये जो है पहले देख लीजिए, हाँ 2x2 के मैट्रिक्स ही हैं ये, ठीक है। तो ये आपका 2, सॉरी ये 2 आ गया बी का डिटर्मिनेंट, और साथ में आई आएगा, तो आई जो है वो भी 2 ऑर्डर का होगा। तो ये वाला मैट्रिक्स ऐसे बनेगा बच्चों। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो आपका ये वाला ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस, ठीक है। बाकी के आप जो है वो देख सकते हैं कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x5 देन ईच कॉलम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन्स एलिमेंट, क्या पूछ लिया, दोबारा पढ़ते हैं हम। इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3x5 देन ईच कॉलम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए कंटेन्स एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कौन सा, उसका ऑर्डर क्या हो गया, अगर ए 3x5 का है बच्चों तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, तो वो 5x3 हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रांसपोज के अंदर हरेक कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, देन ईच कॉलम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए कंटेन एलिमेंट, ठीक है जी। तो कॉलम में एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोज की गिनती होती है बच्चों, तो रोज के जो है वो 5 है इसकी, तो आंसर इज 5, ठीक है। कॉलम में एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ रोज होती हैं, रोज में एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लिख देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो इज इक्वल टू इन अ रो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ये, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ये, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम कितना होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है इसमें, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इफ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स बी इज दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कि मल्टीप्लाई होके क्या आएगा। तो ए बी का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, ये पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा ये, और फिर थर्ड को थर्ड से करेंगे तो -3 ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कितना आ गया, -6, और ये मैट्रिक्स है बच्चों, तो 6 − 2 − 9 हो गया, चलिए ठीक है। तो ये -7 हो गया, और -7 अगर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -7 ही हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट है तो ये इसका डिटर्मिनेंट होता है, 1x1 का डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये -7 हो जाएगा बच्चों, तो -7 इज दिस। अब ये तो मैट्रिक्स है बच्चों, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट पूछ रहा है आपसे, डिटर्मिनेंट तो ये मैट्रिक्स तो नहीं होता, इसलिए ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। आंसर आपके ऑप्शन में ये थे, तो इसमें नीचे वाला जो है वो हमने बता दिया कि ये वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट इज 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स याद कर लीजिए बच्चों फार्मूला, इसका डिटर्मिनेंट ए के ए का रेसिप्रोकल होता है ये, और डिटर्मिनेंट ए जो है वो आपका 2 है, तो यहाँ पे आप 1x2 करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये 1x2 आंसर आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस, ये वो जो भी लिखा हुआ है आपके पास बच्चों, ये क्या कर देंगे हम इसका, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस टेंजेंट तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ -3π/4 ये आप कर सकते हैं, और टेंजेंट का पीरियड जो है वो पाई होता है बच्चों, तो पाई होता है इसका, तो यहाँ पे आप पाई लगा सकते हैं,
ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट पाई प्लस थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा होता है। इसलिए यहाँ पे अगर थीटा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पाई भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये पाई जो है वो ऐड कर दिया, और ये माइनस जो है ना वो इसके साथ जा सकता है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब बाहर से जो है वो अंदर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, जैसे ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर दी हैं, तो इसके ऊपर अब आप देखिए ये क्या बन गया। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 4π - 3π, तो वो हो गया बच्चों आपके पास π/4। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू जो आ रही है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में आनी चाहिए, तो वो आ रही है अब ये है। ठीक है, ये इसके अंदर है ये वाला। ठीक है, π/4 इज बिटवीन -π/2 एंड π/2 ओपन इंटरवल। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों टेंजेंट इनवर्स की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू जो है वो π/4 आ जाएगी आपकी। तो π/4 इज द फर्स्ट चॉइस। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अब साइन इनवर्स ऑफ 4/5, तो ये आप जस्ट आप ट्राइंगल बना के देख लीजिए। ये साइन इनवर्स अगर आपके पास थीटा होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 अगर थीटा है बच्चों आपके पास, ठीक है, तो ये आपका थीटा हो गया, और साइन का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज। ठीक है, तो 4/5 इज साइन थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, थीटा के सामने वाली साइड, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये 5 हो जाएगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये आपके पास 5² - 4² का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 होता है आपको पता है। ठीक है, 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ये। ठीक है, तो ये दो साइड्स अगर आपकी ये वाली 4, 5 है, तो ये वाली जो है 3 होने वाली है। ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, आप कैलकुलेट करिए इसको। तो ये 3 आ गया बच्चों, तो दोबारा इसको मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये आपका थीटा है। ठीक है, अब इसको साइन इनवर्स को अगर टेंजेंट में लिखना हो, तो टेंजेंट थीटा आप यहाँ से क्या लिखोगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ये टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा है, साइड, सामने वाली साइड, और बेस कौन सा है जो इसके साथ लगता है। तो अब थीटा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3, टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो अब आप यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ये साइन इनवर्स को आप चेंज कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स में, तो टेंजेंट इनवर्स 4/3 हो जाएगा ये, और ये आपका कैंसिल हो जाएंगे टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स, तो क्या बच जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4/3 आंसर जो है वो बी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, अभी अगर तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2x - 4 3x, और ये आपके पास x - 6 3 - 1, और डिटर्मिनेंट दिए हुए बच्चों, डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि इनके डिटर्मिनेंट क्या आएंगे। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, तो 2x * x जो है वो 2x² हो गया, और 3 * 4 जो है वो आपका -12 हो गया, माइनस का था तो ये। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया आपके पास, लेफ्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। राइट में भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, x - 1 - x होता है, और 3 - -6 जो है वो माइनस, हाँ जी बच्चों एक चीज़ जो अभी हम गलती करने जा रहे थे, बच गए हम। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये माइनस का आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे -1 - यहाँ पे और आता है। ठीक है, तो वो ये प्लस बना देगा इसको। ठीक है, इन दोनों के 2x और x के प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, 3 और -4 का। ठीक है, तो ये आपका प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और x - 1 ये -x हो गया, और ये इसी तरीके से इनका प्रोडक्ट जो है वो अभी आपका -18 हो गया ये। ठीक है, और माइनस का साइन एक हमने बीच में लगाना होता है, तो ये x + 18 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको x + 18। यही बात बच्चों यहाँ पे थी, लेफ्ट हैंड साइड में थी। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या बन रहा है हमारे पास, 2x², और ये लेफ्ट में आएगा तो आपके पास ये +x हो जाएगा, और ये +12 - 18 हो जाएगा, लेफ्ट में लेके आएंगे 18 को, तो
तो ये माइनस सिक्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फैक्टराइज कर लीजिए कैसे हो जाएंगे ये, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, आई थिंक इससे हो जाएंगे ये, ठीक है। तो टू एक्स कॉमन लेंगे आप तो यहाँ एक्स रह जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक्स प्लस टू आपका कॉमन हुआ और टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू या फिर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो ये दो वैल्यू आनी चाहिए, माइनस टू और थ्री बाई टू, माइनस टू और थ्री बाई टू, ये लास्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्लिक हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टू प्लस टेंजेंट इनवर्स वन बाई टू इक्वल्स। तो बच्चों इसमें ये है कि आप टेंजेंट इनवर्स याद कर लीजिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स जो होता है ना वो कॉट इनवर्स होता है, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता है ये, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास हो गई है कॉट इनवर्स ऑफ टू। अब ये क्या बन गया, ये सारी एक्सप्रेशन क्या बन गई है, तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स टू प्लस कोटेंजेंट इनवर्स टू, और टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट का सम जो होता है इनवर्स का, ये ऐसा वाला सम, ठीक है। तो ये आपका पाई बाई टू होता है, आपने याद रखना है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ये आप लिखेंगे, पाई बाई टू इज द थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन, माइनस वन। तो कॉस इनवर्स का पहले तो बच्चों ये आपने सोचना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है, तो ये आपकी जीरो टू पाई है बच्चों, और कॉस ऑफ पाई जो होता है ना वो माइनस वन होता है। तो आप देख लीजिए इसमें आपको ये पाई चाहिए आंसर, ठीक है। तो पाई जो है वो आपका ए ऑप्शन है बच्चों, ये वाला ऑप्शन इसका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई 11 पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू। अब बच्चों ये वैल्यू जो है ना वो आपकी 2 पाई से ज़्यादा है, ये 2 पाई से ज़्यादा है, हमें कौन सी चाहिए, 0 से पाई के बीच में चाहिए, ठीक है, 0 से पाई के बीच में चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ देखते हैं इसका, चलिए ट्राई करते हैं। हाँ जी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 11 पाई बाई सिक्स, 11 पाई बाई सिक्स क्या करें, इसको आप डिवाइड कर दो बच्चों, 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख लीजिए, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 सिक्स 12, 12 माइनस 1 11 हो गया, बिल्कुल ठीक है ये। तो अब क्या करेंगे हम, अब एक और चीज आप नोट करिए कि कॉस ऑफ टू पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस ऑफ टू पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला जो है, कॉस में ही चेंज होगा, अगर टू पाई यहाँ पे है तो कॉस में ही चेंज होगा और साथ में थीटा भी आएगा, पर लेकिन ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया बच्चों, ये 2 पाई है आपका, और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू जो है आपको पता है वो पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये प्लस कॉस थीटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका बन गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब ये पाई बाई सिक्स जो है ना वो जीरो टू पाई के बीच में है ये, ठीक है। तो ये अब आप सीधा इसको पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए इज 2173 देन ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा बच्चों। तो देखिए बड़ा इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपने, 2371 करना क्या होता है, आपने इन दोनों को आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, क्या करना है, इंटरचेंज, और इन दोनों को क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता है, इससे आता है हमारा एडजॉइंट,
एडजॉइंट आ जाता है बच्चों, ये ए है तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, अब आप देख लीजिए, ये थ्री हो जाएगा, ये टू हो जाएगा इंटरचेंज करने पे, और ये वन और सेवन को आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस वन आ जाएगा और ये माइनस सेवन आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया बच्चों। अब इसको आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपका इनवर्स आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है, तो डिटर्मिनेंट इसका जो है वो आप देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, सिक्स हो गया, माइनस सेवन, माइनस वन आ गया बच्चों, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो सभी साइन चेंज होने पे ए इनवर्स क्या आया, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए को आप, एडजॉइंट ए जो है उसके सभी के साइन चेंज करने हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो आपका नेगेटिव वन आ रहा है, तो ये आपका माइनस थ्री हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, ये देख लीजिए कौन सा है, तो थ्री सेवन, ये लास्ट वाला ऑप्शन आई थिंक मैच हो रहा है, ठीक है, ये हो गया बच्चों मेरे ख्याल से, देख लीजिए सेम है, माइनस थ्री वन सेवन माइनस टू, ठीक है बच्चों ये हो गया लास्ट, अभी तो लास्ट नहीं है, और क्वेश्चन है हमारे पास 21। इफ बी ए डैश सी वेयर ए एंड बी डैश आर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर पी बाई क्यू एंड क्यू बाई आर रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ सी, सी का ऑर्डर हमें बताना है। तो चलिए बी और ए डैश, थोड़ा सा इसको मैं स्पेस लेके चलता हूँ, बी और ए डैश और साथ में सी इज इक्वल टू सी, ये दिया हुआ है बच्चों में, ठीक है, ये वाली लाइन लिखी हमने। अब इनके ऑर्डर लिखिए आप, बी का ऑर्डर क्या है, बी डैश का ऑर्डर आपको दिया हुआ है क्यू बाई आर है बच्चों, क्यू बाई आर है, तो बी का ऑर्डर क्या होगा, आर बाई क्यू होगा, ठीक है, आपने ये बी डैश है ना, ये बी डैश का ऑर्डर इतना है, तो बी का ऑर्डर होगा आर बाई क्यू, ए डैश का ऑर्डर, ए का नहीं दिया हुआ हमें, ए का दिया हुआ है, ए का पी बाई क्यू है, तो ए डैश का कितना हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया बच्चों। तो अब ये दोनों तो जो है ना वो फाइनल आंसर में नहीं आते हैं, क्या आता है आंसर में, फाइनल प्रोडक्ट में क्या आता है, ये आते हैं, आर क्रॉस पी आता है, ठीक है, तो आर क्रॉस पी या आर बाई पी आता है, तो आर बाई पी वाला ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये इसका आंसर हुआ बच्चों। If A is a square matrix such that A square is I, then A square minus 2i is equal to, हाँ जी बच्चों, A square I है तो I, A square minus 2i क्या हो जाएगा, तो A square को बोल रहा है कि ये I है, तो I minus 2i हो गया, और I में से 2i subtract करेंगे तो minus i रह जाएगा, तो option is B। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए इज दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बच्चों इसके लिए आप याद कर लीजिएगा, एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन होती है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो अब आप इस पे अप्लाई करिए, ए का डिटर्मिनेंट कितना है, ए डिटर्मिनेंट कितना आया, टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, और ये आपका प्लस में चला जाएगा, प्लस 12, 12 माइनस 8 जो होता है वो 4 होता है, तो 4 हो गया बच्चों, ये 4 हो गया, और पावर n माइनस 1, n क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ a, तो वो 2 हो गया, 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 जो होता है वो 1 ही होता है, तो 4 पावर 1 हो गया, 4 पावर 1 4 होता है, तो आंसर विल बी a। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 24th, if A is this is a singular matrix then the values of x, या value of x जो है वो क्या होगा, पहले ये पता होना चाहिए कि singular क्या है, singular क्या है, तो singular matrix जो होता है बच्चों उसका determinant 0 होता है, तो इसका determinant आप 0 करिए, determinant आप 0 करेंगे तो 8 माइनस 2x square, माइनस 2x square is 0, दैट मीन्स 2x square जो है वो 8 हो गया, दैट मीन्स x square is 4, x is equal to plus minus 2, ठीक है बच्चों, तो plus minus 2 values जो है वो ये C option में नजर आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, if A is equal to this and Aij is cofactor of Aij where Aij is ijth element, then A1, 2 and A3, 1 is equal to, बच्चों थोड़ा लेंथी जरूर है, थोड़ा सा ये हो गया, अब ए वन टू कौन सा एलिमेंट है बच्चों, ए वन टू, ए वन टू ये वाला एलिमेंट है बच्चों,
A12 ये स्मॉल A12, ठीक है। तो इसका हमने को फैक्टर लिखना है, तो को फैक्टर कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। को फैक्टर लिखने के लिए आपने क्या करना है, A12 इज इक्वल टू ये रो और ये कॉलम आपने डिलीट कर देना बच्चों, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, 1 माइनस 1 7 3, ठीक है, और साथ में -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2, ये आई प्लस जे होता है, ये वाले दोनों का सम यहाँ पे आपने -1 की पावर में लिखना है। तो -1 रेज टू पावर 3 और ये 3 प्लस 7 जो है वो 10 हो गया, और ये आपका -1 आता है, ये आपका 10 हो गया बच्चों, ठीक है, और ये -10 हो गया। तो A12 जो है वो -10 आ गया। इसी तरीके से A31 देख लेते हैं हम, A12 कितना आया, -10, ठीक है बच्चों। बाकी हम एक बार इसको नीचे वाली को रेज कर देते हैं, हाँ जी बच्चों। तो अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है अगला, तो A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट है, -1 की बात हो रही है, तो इसका को फैक्टर लिखना है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम डिलीट करेंगे, बाकी क्या बचा हमारे पास, 5 माइनस 6 माइनस 4 7, और इसका डिटर्मिनेंट, और साथ में -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1, ठीक है, ये आई प्लस जे इसके लगाने हैं हमने। तो -1 रेज टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 35 हो गया बच्चों ये, ये 35 हो गया आपके पास, और ये -24 कर लीजिए, ये इवन पावर है आपके पास, तो इवन पावर है तो ये +1 ही हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए आप इसको, तो ये 11 हो गया आई थिंक, ठीक है 11 ही हो गया। अब क्या चाहिए, दोनों का सम चाहिए बच्चों, ये है आपके पास A31, दोनों का सम करोगे आप, दोनों का सम करोगे तो इसमें -10 प्लस 11 जो है वो आपका +1 आ गया बच्चों, तो ये आंसर हो गया आपका। अगला है जी आपके पास A is equal to f of x is this then f of a determinant, अगर f of x ये है बच्चों तो f of a का क्या लिखोगे आप, f of a जो है वो आपका हो जाएगा a² + 4i, ये आप i को नोट कर लीजिएगा, एक आपने i भी लगाना होता है जब इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है, अदरवाइज आपने x को a से रिप्लेस करना होता है। तो अब आप इसमें ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करिए, और इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए बच्चों हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन हमारे पास आ जानी चाहिए, तो a² कितना हुआ, a² देखिए 2 3 -2 -1, तो इसको आपने इसी से मल्टीप्लाई भी करना है आपने, तो 2 3 -2 -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -2 वो -6 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है जी, और 3 इंटू -1 जो है वो -3 हो गया, ठीक है, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू -2 वो +2 हो जाएगा, -2 इंटू 3 तो ये आपका -6, -1 इंटू -1 वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये a² आ गया आपके पास, 4 - 6 - 2, ये आपका 3, और ये -2, और ये आपका -5, ठीक है, ये a² हो गया बच्चों। इसमें आपने 4i ऐड करना है, 4i ऐड करना है, तो मतलब एक 4 आपका यहाँ ऐड होगा पहले एलिमेंट के साथ, एक ये लास्ट वाले नीचे वाले के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 4 - 2 तो 2, और ये 3 रहेगा, और ये -2 का -2 ही रहेगा, और ये आपका -1 होने वाला है। तो ये देख लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, अभी हमें डिटर्मिनेंट करिए अब इसका, 2 इंटू -1 -2 होता है, और फिर ये 2 इंटू 3 ये +6 हो गया, तो ये 4 आ गया बच्चों, 4 जो है वो आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, थोड़ा करके देख लीजिएगा अच्छे से।
इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल उज वर्टिसेस आर दिस इज 3 यूनिट्स देन के इज। बच्चों ट्राइंगल के एरिया के लिए आपने क्या करना है, मैं हिंट दे के छोड़ देता हूँ, आपने इसको ट्राई कर लेना, मैंने अभी टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, डिटर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 3, ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इन सभी को आप लिख लीजिए, 1 3 0 0 और K0 और साथ में 1 1 1 लगाइए और इसका डिटर्मिनेंट का हाफ कर दीजिए, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसको आप प्लस माइनस 3 के इक्वल लिखिए और K की वैल्यू आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपने निकाल लेना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3। तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स -1/√3। अब टेंजेंट की वैल्यू, ये माइनस जो है ना बच्चों ये बाहर आ जाएगा सीधा सीधा, आप इसको याद रख लीजिए, इसमें से हम सीधा बाहर ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका माइनस जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा माइनस, तो अब आपके पास टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहाँ आती है, टेंजेंट 1/√3 वैल्यू बच्चों आती है टेंजेंट 30 डिग्री पे, 30 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 6 होता है, तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो ये आपका कॉस ऑफ पाई बाई 6 ही हो गया बच्चों, ठीक है। और कॉस पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो कॉस 30√3/2, ठीक है। तो √3/2 जो है वो आपका सी ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये, क्या फॉर्मूला क्या है नोट कर लीजिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, आपने अप्लाई करना है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ठीक है। अप्लाई करिए टेंजेंट इनवर्स, दोनों का सम करिए, 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 - 1/7 इंटू 1/13, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, टेंजेंट इनवर्स कितना आएगा, 91 और 13 प्लस 720, ठीक है बच्चों, और डिवाइड बाय 91 माइनस 1, तो 90 अपॉन 91, ठीक है। 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2/9 टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 2/9, ये आपका ऑप्शन है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज आपका टेस्ट के, टेंजेंट इनवर्स क्या चीज दी हुई है, ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 times टेंजेंट इनवर्स -1 जो है वो -π/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स -1/2 जो है वो आपका, साइन कौन सा हाफ वैल्यू कहाँ आती है, साइन की 30 पे आती है, तो ये आपका -π/6 हो जाएगा ये, और कॉस इनवर्स पाई -1/2 जो है उसका आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, इसको आप ऐसा लिखेंगे। अब आप वैल्यूज कैलकुलेट करिए, ये आपका हो जाएगा -π/2 और ये -π/6 प्लस पाई, और ये कितना आया बच्चों, माइनस कॉस इनवर्स हाफ, हाफ वैल्यू आती है कॉस 60 पे, तो ये 60 जो होता है वो π/3 होता है, तो ये π/3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम क्या करें, इसको इजीली कैसे कर सकते हैं बिना एलसीएम वगैरह लिए, तो एंगल्स को कन्वर्ट कर लीजिए आप, ये -90 है और ये आपका 30 है, ठीक है, और ये 180 है और ये कितना है, ये आपका है 60, ठीक है जी। अब देख लीजिए, हाँ जी ठीक है, तो 60 ये 90 ये 180 सारा कुछ मेरे ख्याल से जीरो ही हो गया बच्चों, ये तो
90 और ये -90, ठीक है, 180 माइनस का और 180 प्लस का, तो जीरो आ गया बच्चों, ये आंसर इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो था उसको सॉल्व हमने कर लिया, सिवाय एक क्वेश्चन के, वो के ट्राइंगल वाला जो है वो हमने छोड़ा आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये पसंद आए हैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बच्चों।